बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? तो हॉर्टिकल्चर जो है इज़ डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, हॉर्टस। हॉर्टस मीन गार्डन एंड कॉल मीन्स कल्चर। सो कलेक्टिवली वी कैन से कि हॉर्टिकल्चर इज़ अ प्रैक्टिसिंग ऑफ ए गार्डन कल्चर। व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, उनकी सोइंग से लेकर उनकी कल्टीवेशंस हैं, और उसके अलावा कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हार्वेस्टिंग है और फर्दर उनकी इम्प्लीकेशन। तो हॉर्टिकल्चर बेसिकली हम लैंडस्केप इज अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर, सो यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि हम जिक्र करते जाएँ लैंडस्केप का। तो जब लैंडस्केप की बात आती है तो इसमें सेंस जो है वो आपकी एक आर्ट सेंस की अशद ज़रूरत फील होती है, कि अगर आपके अंदर वो आर्ट सेंस है तो आप बेहतर तरीके से लैंडस्केप कर सकते हैं। कि डिफरेंट प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, हेज है, क्रीपर्स हैं, वो अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको अपने सेंस के साथ, आपकी अपनी आर्ट सेंस के साथ उसको यूटिलाइज करना है, फिर साइंस की इन्वॉल्वमेंट के साथ, उनकी ग्रोइंग और जो उनकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है उसके साथ एक जगह पे उसको लगाना है। तो उसके बाद हॉर्टिकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है प्लांट की प्रोपगेशन। प्रोपगेशन कहते हैं जी प्लांट प्रोड्यूस करने के अमल को, और उनकी कल्टीवेशन है और प्रोसेसिंग है फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, हर्बल प्लांट्स की, स्पाइसेस की, मसाला जार जो हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की एंड फ्लावर्स की। सो हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व इंटेंसिव कल्चर प्रैक्टिस। अच्छा, जिस तरह बाकी एग्रीकल्चर के डिसिप्लिन हैं, एग्रोनॉमी है, पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस है, इसी तरह हॉर्टिकल्चर क्योंकि एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं इनको एक इंटेंसिव केयर चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर एग्रोनॉमिक क्रॉप्स। कि एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के अंदर है कि वो लेस केयर रिक्वायर्ड है, इनके अंदर हाईली जो सोफिस्टिकेटेड जो आपकी केयर है वो चाहिए, इवन इन केस वेजिटेबल्स को स्पेशली, क्योंकि इन्होंने दिन को कुछ हालात होते हैं, रात को कुछ हालात होते हैं। तो अगर आप इनको फॉलोअप नहीं करते, पूरा इनको टाइम नहीं देते, तो अल्टीमेटली क्रॉप जो है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। इवन के जो फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं वो भी इसी तरह, उनकी भी लेकिन लेस केयर रिक्वायर्ड है उनकी एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल्स एंड हर्बल प्लांट। तो हॉर्टिकल्चर की फर्दर ब्रांचेस हैं तो जिनके अंदर हम पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में, सीड के बारे में, टर्फ जो है उसके बारे में। टर्फ कहते हैं जी लॉन, ग्रासेस जो लॉन्स वगैरह में लगाते हैं, ठीक है, लॉन्स के बारे में, फ्रूट ट्रीज के बारे में, वर्म्स के बारे में, फिशेस, वाइन सेल, गार्डन ट्रेल्स एंड मच मोर। तो सबसे पहले पोमोलॉजी। पोमोलॉजी बेसिकली फ्रूट्स की स्टडी को कहते हैं। तो उसके अंदर शामिल है कि हम फ्रूट की प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, उसकी प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स। तो प्रिजर्वेशंस में आ जाता है जैसे ड्राइंग वगैरह है उसकी, या फिर प्रोसेस वो फूड साइंस के रेलेवेंट वो मर्ज हो जाते हैं हॉर्टिकल्चर और फूड साइंस यहाँ पे आके। तो फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो हैं, तो सकुलेंट एंड जूसी होते हैं ग्रेप्स, ऑरेंज, मैंगो, पाइन एप्पल वगैरह, हार्ड वॉलनट है, कैश्यू नट, पिस्ताशियो नट, आलमंड वगैरह। तो फ्रूट्स की आगे फर्दर टू क्लासिफिकेशन है, मेजर फ्रूट्स हैं, माइनर फ्रूट्स हैं। तो मेजर फ्रूट्स में ये ग्रेप्स, एप्पल, स्वीट ऑरेंजेस हैं, लेमन, मैंगो, बनाना, और माइनर फ्रूट्स ऐसे फ्रूट जिनको हम कम इस्तेमाल करते हैं और फॉर स्पेसिफिक टाइम, सपोता जो है, सपोता कहते हैं जी चीकू को, वाटरमेलन है, पपाया है, कस्टर्ड एप्पल है, ऑर्चर्ड्स हैं ये। और ये देखें एप्पल के हैं नीचे। और सेकंड जो है वो हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांच है वो लैरिकल्चर है, द साइंस एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रोइंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स क्रॉप्स।
तो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं तो उनकी कल्टीवेशन की बिना पे उनको भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। तो कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनका हम फ्रूट खाते हैं, मतलब उनके जो जो फ्रूट है इट्स बिकम फ्रॉम ओवरी। तो जैसे टमाटोज हैं, ब्रिंजल्स, बैंगन, कुकरबिट्स जो हैं, गॉड वगैरह, कद्दू वगैरह हैं, उसके बाद चिलीज आ जाती हैं और स्वीट पेपर्स हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनके हम पत्ते कंज्यूम करते हैं, तो उनमें ये अमेरेंथस, स्पिनिश आ जाती है, इसके अलावा धनिया आ जाता है, मिंट आ जाता है, बंद गोभी है, और इसके अलावा लेटस, आइसबर्ग वगैरह है। तो कुछ वेजिटेबल्स जिनके हम ट्यूबर्स खाते हैं, स्वीट पोटैटो और पोटैटो शकरकंदी और आलू हैं, और इसके अलावा कुइयों के रूट्स खाते हैं, इनमें कैरेट्स आ जाती हैं, बीट रूट है, चिकंदर है, और इसके अलावा शलजम है, मूली है, लाल मूली वगैरह। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनके हम पोड्स जो हैं सीड्स को खाते हैं, लाइक पीस वगैरह। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड थर्ड ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो शायद ही कोई ऐसा त्यौहार हो, कोई ऐसा फंक्शन हो, या फिर कोई भी इवन के हमारी जो फौतगी है उस तरह के मामलात हों, तो ये सारी चीज़ों में फूल जो है इनका बड़ा अहम रोल है। किसी को वेलकम करना हो या किसी को अलविदा करना हो, तो फूलों का इस्तेमाल हमेशा रहा है और हो रहा है। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर है कि साइंस एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ ग्रोइंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। तो इट इज़ कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स प्लांट्स फॉर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ्लावर्स, जैस्मिन, रोजेस, क्रायसैंथेमम, ग्लैड एंड ट्यूलिप्स एंड लिलीज हैं, एंड सो ऑन। तो आर्बोरिकल्चर जो है कल्टीवेशन मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्री को, और उसके बाद टर्फ कल्चर एंड मैनेजमेंट, तो इसके अंदर शामिल है कि तमाम एस्पेक्ट जो है वो मेंटेनेंस करते हैं टर्फ ग्रासेस की, और ये गोल्फ कोर्सेस में और घरों में, पार्क में एंड अदर प्लेसेस में। तो ऑर्नामेंटल एंड लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, तो ये हॉर्टिकल्चर का एक ऐसा सेगमेंट है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ की, हमारे सराउंडिंग की वैल्यूज़ को बढ़ाता है, हमारे लिए सूदिंग है, और इवन ये हमारी मेंटल थेरापी भी करता है। स्ट्रेस रिलीविंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। हॉर्टिकल्चर थेरापी जो है वो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, कि इवन के इंडस्ट्रीज़ के अंदर और मेंटल रिहेबिलिटेशन के अंदर बड़ा ही रोल है इसका। ये इंसान के मूड, पौधे हैं, फूल हैं, ये मूड को रेगुलेट करते हैं। तो अगर वो खूबसूरत सीक्वेंस के साथ लगे हों और हर मौसम में, बहार में और ख़जा में वो फूल भी दे रहे हों, तो वो और जो है वो चास्पे नज़र हो जाते हैं, और आम सी जगह को, ज़मीन को जन्नत का टुकड़ा बनाते हैं। तो इसके अंदर जो शामिल है वो हॉर्टिकल्चर के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमने परसीव किए हैं नेचर से, और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन है। तो इट्स बिलोंग टू ऑर्नामेंटल एंड लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग गार्डन, एस्टेब्लिशमेंट लॉन्स, इंस्टॉलिंग प्लांट्स एंड प्लेसिंग ऑर्नामेंटल प्लांट ऑर्नामेंटल्स इन लैंडस्केप। तो अदर जो हैं वो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर की, सीड प्रोडक्शन है, हर्ब, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन है, फूड, वेजिटेबल प्रिजर्वेशन है, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर थेरापी जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसेंशियल ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन है। विटीकल्चर एक टर्म यूज़ करते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ ग्रेप्स, और इनोलॉजी जो है इसमें तमाम एस्पेक्ट जो हैं वो वाइन को ग्रो कैसे करना है और वाइन मेकिंग में। तो वेस्ट के अंदर ये बड़ी इंटेंसिवली यूज़ किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर जो है उसमें प्रैक्टिसिंग एंड कंट्रोलिंग द एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट डाइवर्स नीड एंड वैल्यूज। द नेम कम्स फ्रॉम लैटिन सिल्वी, फॉरेस्ट प्लस कल्चर एज इन ग्रोइंग। तो जंगलात जो हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी ग्रोथ को, उनकी हेल्थ को, हर चीज़ को, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, उसकी इनपुट जो चाहिए वो देना, तो इट्स नोन एज सिल्वी।